आज मुझे लगता है कि कंगना के मेरे इंटरव्यू के बाद एक लॉबी उसके पीछे पड़ गई है. व्हाट, वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? इट्स बिकम कंगना वर्सेस ऑल, इज दैट फेयर? वेयर डू यू स्टैंड? डू यू सपोर्ट हर? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सेल्फ मेड है, मैं सेल्फ मेड हूं, धर्मेंद्र सेल्फ मेड रहे, अमिताभ बच्चन सेल्फ मेड रहे, यानी किसी के गॉडफादर, किसी के साथ आने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे. आई वुड से कंगना के बारे में मैंने 2019 में, जैसा आपने कहा कि मैंने तारीफ की थी अप्रैल में, मैं फिर 2020 में जुलाई में उसकी बहुत तारीफ कर रहा हूं. और मैं समझता हूं कि कंगना जो है उसने उन पंक्तियों को चरितार्थ किया है, When going gets tough, the tough get going. उसने अपने आप को आगे बढ़ाया है इन मुसीबतों के बीच में से झेलते हुए और खेलते हुए. आज ज्यादातर लोग को मैं देखता हूं वो कंगना से इसलिए कंगना के खिलाफ बोलते हैं या कंगना की खिलाफत करते हैं, क्योंकि उनको उनके अंदर, उनको कंगना से बहुत जेलसी होती है कि हमारे रहमो करम के बगैर, हमारी मर्जी के बगैर, हमारे ग्रुप में शामिल हुए बगैर, हमारे आशीर्वाद के बगैर, हमारे पुश के बगैर ये लड़की इतना आगे कैसे निकल गई. इस बात की उनको चिढ़ होती है, जलन होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, रादर इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स.